खबर है बोकारो से, जहां बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के स्वांग उत्तरी पंचायत के पंचायत सचिवालय में मुखिया की अध्यक्षता में जीपीडीपी ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत विद्युत वर्ष 2023-24 के लिए एक वृद्ध एवं ग्राम सभा पंचायत विकास योजना तैयार करी गई है। सबकी योजना सबके विकास सरकार के निवेश के आलोक में 2023-24 का निर्माण है। तो ग्राम पंचायत में आहूर्त की जाने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठक टाइड एवं अनटाइड पेयजल स्वच्छता से ग्राम पंचायत विकास हेतु योजना तैयार करने के क्रम में भारत सरकार द्वारा एवं सहायता समूह बीपीआरपी अनिवार्य ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार के क्रम में ग्रामीण लोगों का योजना को लेकर यहां आयोजन था। देखिए पूरी रिपोर्ट इश्तियाक अहमद के साथ। इनका कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है 2023-24 ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए हम लोग हमारे एसएनपीएस के बीपीआरपी और जो ट्रेनिंग लेकर के हमारे वर्कर्स लोग सर्वे किए और सर्वे करने के बाद में जो योजना लिए हैं उसी को ग्राम सभा में ग्राम सभा के माध्यम से उनको पारित करना है। और दो सब्जेक्ट हम लोग का है जिसका हम लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ग्राम सभा में आयोजन कर रहे हैं। तो आज उसी दो सब्जेक्ट पर को लेकर के ये ग्राम सभा रखा गया है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत और सभी हम लोग उसी में आए हुए हैं। इस पंचायत का आबादी कितना है, वोटर कितना है? 49 पब्लिक बहुत कम दिख रहे हैं मुखिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं लोग जानकारी नहीं मिल पाए इसलिए, क्योंकि जानकारी सही से नहीं दे पाए होंगे इसलिए वंचित रह जाएंगे विकास से। आपका आप कह सकते हैं लेकिन हम लोग अपने अपने माध्यम से अपने वार्ड सदस्य अपने महिला दीदी के लोग के माध्यम से हम लोग जितना कर सके हम लोग किए और कुछ लोग आए भी और कुछ लोग चले भी गए क्योंकि अब समाप्ति की ओर है हम लोग का बैठक, अब अंतिम पड़ाव में है। खास करके किस चीज़ों पर चर्चा की गई? जल पर्याप्त गाँव को लेकर और स्वच्छता को लेकर। क्या अगले बार अभी भी पंचायत में बहुत सारा कमियां है ये सूत्रों के हवाले से पता चला और योजनाएं चढ़ाती लेकिन योजना आता नहीं है? अभी ऐसा कह सकते हैं आप लेकिन कमी तो रहेगा ही। जो 10 साल पहले जो काम था बहुत सारा काम था, सड़क नहीं बना था तो वो सब बना और जो काम छुटा हुआ वो निसंदेह होगा और जो काम जो फंड आता है वो क्या होता है फंड के हिसाब से काम होता है, कोई पैसा वापस नहीं जाता है, जितना सरकार हम लोगों को फंड देती है हम लोग उस पर काम करते हैं। भीड़ कम रहने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं ग्रामीणों के बीच में ये हलचल हो गया चढ़ाते हैं आता ही नहीं? हाँ अगर ऐसा बात है तो उसका जवाब हमको लगता है कि ज़्यादा अच्छा से जो सर्वे में घूम रहे थे वो ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि अगर ऐसा बात है तो बताना चाहिए। देखिए सर्वे में कहते हैं कि योजना चढ़ता है आता नहीं है, ऐसा नहीं है। योजना जो काम होना जितना फंड है उसके हिसाब से मतलब कि काम होता ही होता है। अब अभी हम लोग को मात्र 10 लाख रुपये पैसा आया है, 10 लाख रुपये में टाइड और अनटाइड है और 10 लाख रुपये में 10 लाख का ही काम होगा लेकिन योजना हम लोग लेने जा रहे हैं अगर है 10 करोड़ भी कम तो निसंदेह बहुत सारी योजनाएँ छूटेंगे लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम लोग उस योजनाओं को अपने सांसद विधायक DMFT स्पेशल डिवीज़न या फिर जहां से भी होगा हम लोग उसको कराने का प्रयास करेंगे इस बार क्योंकि इस बार का हम लोगों को कुछ फंड भी कम मिल रहा है और लेकिन काम इस बार हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करना है और उसी के लिए हम लोग संकल्प। बस ये मेरा आखिरी सवाल है, बताया गया मुझे ग्रामीणों के द्वारा अपने निजी व्यक्तियों को ज़्यादा लाभ देते हैं और वैसे ही जगह पर योजना किसी भी चीज़ को लाभ देने का काम करती है, कहाँ तक सच्चाई है? अब इसलिए अच्छी बात है पर जो जवाबदेह पर्सन होते हैं उसको जवाब देने से पीछे नहीं हटना चाहिए और इसका ये इस बात का जांच हमको भी पता चला कि शिकायत किया गया था जिसका जांच
हुआ है, रिपोर्ट में क्या आया है नहीं पता है, रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी मिलेगा। हमारे चैनल में बात करने के लिए धन्यवाद।